हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला BBU आ तो फिर BBM का सेमेस्टर वन हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव, ठीक है। इसका है क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर सेमेस्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं या तो फिर किसी भी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस टॉपिक से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ये खास करके हमने बनाया है अभी जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वन हिस्ट्री जनरल लोगों का जो एग्जाम चल रहा है, शायद उन लोगों का कल एग्जाम है 9:30 बजे, ठीक है। तो उन्हीं को देख करके बनाया जा रहा है। वीडियो में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा तबियत पर मेरा ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें। सबसे पहले आपको ये समझना कि प्राचीन भारत क्या है, साहित्यिक स्रोत है क्या। तो प्राचीन भारत का मतलब ये पुराना भारत जो पहले था, तो उसके बारे में, भारत के जो पहले पुराना वाला भारत जो था यानी बहुत पहले के बारे में, उसके हमको ज्ञान कैसे मिला कि पहले के लोग भी खाना खाते थे, पहनते थे कपड़ा, एक दूसरे से बात करते थे, किसी विदेश में घूमने के जाते थे, ये सब बातें कैसे हमको पता चला, ठीक है। तो हमें किसी न किसी माध्यम से पता चला, या तो खुदाई करते वक्त, आप लोग पता हो खुदाई करते वक्त सब ये हड़प्पा सभ्यता का पता चला था, कुछ खुदाई करते वक्त कुछ चीज़ें मिल जाता था, कुछ मूर्ति में लिखा हुआ मिल जाता था, यही सब चीज़ों ने मेरे को ज्ञान दिया कि प्राचीन भारत का बारे में पूरा जानकारी प्राप्त किया। तो इसी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, जो हमें प्राचीन भारत को जानने में सहायता किया, जो जानने का मेरा स्रोत है उसी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, कि प्राचीन भारत के बारे में हमने क्या क्या माध्यम से हमने जाना है अपने देश के बारे में, पहले के बारे में, उसी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। तो हमें इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम ऐसे चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के पहले, प्राचीन भारत के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और वो जो मेरे को नॉलेज मिला हुआ है कि प्राचीन भारत कैसे लोग जीते थे, रहते थे, उसका ज्ञान हमें किस किस स्रोत से मिला है, उसी को बोलते हैं साहित्य स्रोत, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो साहित्य स्रोत, वैसा देखिए साहित्य स्रोत का मतलब होता क्या है, तो वैसा लिखित रचनाएं जिनमें हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलता है, उसी को बोलते हैं साहित्य स्रोत, उन्हें साहित्य स्रोत कहा जाता है। जैसे महाकाव्य हो गया, इससे भी हमें भारत का ज्ञान मिलता है। पुराण हो गया, किसी कवि या बहुत सारे लोगों का जीवनियाँ हो गया, कविता हो गया, नाटक हो गया, ये सब चीज़ों के माध्यम से हमें क्या मिलता है, साहित्य स्रोतों का एक साक्ष्य मिलता है, इसका ज्ञान मिलता है मेरे को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ कि प्राचीन भारत के साहित्य स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो देखते हैं कौन कौन सा 3 भागों में बांटा गया। हम इसको पहले ही बोले थे कि आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है तो चलो देख लेते हैं। एक पुरातत्व स्रोत, दूसरा है साहित्य स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। फिर जो नंबर 1 है पुरातत्व स्रोत, इसको 3-4 भागों में बांटा गया है, खुदाई से प्राप्त सामग्री, दूसरा है अभिलेख, तीसरा साम्रण, और चौथा है मुद्राएं। फिर अगर देखा जाए साहित्य स्रोत, तो साहित्य स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य और लोक साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ABC, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। फिर इधर लोक साहित्य जो आपको दिख रहा है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया, ABC, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्य ग्रंथ। ये आपको एग्जाम के पेपर में लिख देना है, इसी से आपका सारा पॉइंट आगे बनने वाला है, इसी को हम देख देख करके सारा प्रोजेक्ट को आगे बनाएंगे, ठीक है। और इसी से आपका पेज फुल हो जाएगा और मार्क्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा को, तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इसमें कोई भी डिवाइडेड नहीं किया गया, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या चर्चा करेंगे, नंबर 1 को पुरातात्विक स्रोत, फिर इसका 1, 2, 3, 4 खुदाई से प्राप्त अभिलेख, साम्रण, मुद्राएं, फिर दूसरा के पर चर्चा करेंगे, फिर तीसरा पर, ठीक है। तो नंबर 1 में मेरा आ गया, इस प्रोजेक्ट को आप लोग बनाते हुए चले ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। पहला पुरातत्व स्रोत, पुरातत्व स्रोत, अब देखिए मैं लिखा हुआ गया कि पुरातत्व स्रोत को हम कुछ इस प्रकार बांट सकते हैं। पहला खुदाई से प्राप्त सामग्री, आप लोग यहाँ पर नीचे देखा भी था प्रोजेक्ट में, अभिलेख, साम्रण, साम्रक और मुद्राएं। अब चलते हैं नंबर 1 में, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स नहीं कर पाओगे तो थोड़ा थोड़ा इसका क्या करना, चर्चा कर देना, थोड़ा इसके बारे में वर्णन कर देना है। तो खुदाई से प्राप्त सामग्री, देखिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से अनेक प्राचीन वस्तुएं मिली है, प्राचीन मतलब पुराने वस्तुएं मिली है, जो भारत के प्राचीन इतिहास जानने में काफ़ी मदद साबित हुआ है। जैसे नगर, भवन, मनुष्य का शरीर, पशुओं के ढांचे, देवी देवताओं की मूर्ति, बर्तन, औजार, सड़कें आदि, ये सब चीज़ें से हमें क्या मिला है, खुदाई में मिला है। और यही सब चीज़ें हमें भारत के पहले के भारत के बारे में हमें ज्ञान अर्जित होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, तो भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में व उसको समझने में अभिलेखों का मुख्य योगदान रहा। इससे अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि प्राचीन में ऐसे अनेक भाषाएं लिखी मिली है जो इस बात का साक्ष्य है कि लोगों का भाषा का ज्ञान था। और ये अभिलेख विभिन्न दीवारों, पत्रों आदि पर होते थे और अलग अलग भाषाओं में होते थे, जैसे बराही हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है, लिपि हो गया आदि,
अभिलेख मीन्स होता है जो कोई चीज लिखा हुआ रहता था ना, जैसे दीवार पर, मूर्ति पर, आप लोग देखेंगे पुराने जमाने में बहुत सारे घरों में भी कुछ लिखा रहता है, मूर्ति पर लिखा रहता है, तो वही होता है अभिलेख। तो इससे भी मुझे भारत का ज्ञान के बारे में क्या होता है, आइडिया मिलता है, विचार मिलता है, उसके बारे में जानकारियाँ मिलता है। साम्रक, साम्रक साम्रक मीन्स होता है अधिकार, अधिकार चीज़ें। जैसे मान लो इंडिया में जिस प्रकार का चीज़ मिला वही मिला विदेश में, अमेरिका में। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो अधिकार यहाँ था वही अधिकार वही चीज़ें सेम मिला अमेरिका में। तो इसका मतलब यहाँ का रिलेशन वहाँ का था, यहाँ के लोगों का रिलेशन वहाँ से था और यहाँ के लोगों के बारे में वहाँ के लोग भी जानते थे, ऐसा इसका मतलब था साम्रक। तो जिस प्रकार अभी लेखों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सहायता मिलती, उसी प्रकार साम्रकों के द्वारा भी ज्ञान का प्राप्त होता है। थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करना, आपको डीपली चर्चा नहीं कर पाओगे लेकिन इतना इतना कर देना है, और डीपली अगर करना भी चाहोगे ना तो कम से कम 20 पेज से कम में नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 से 4 पेज में देना है। तो हमने भी उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको सेट करने का प्रयास किया है। चौथा है मुद्राएँ, मुद्राएँ मीन्स होता है पैसा वगैरह, ठीक है, जिससे हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं, जीवन चलाते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी में मुद्राएँ मुख्य ज्ञान देता है, जैसे सिक्कों व उस पर लगा मोहर। पहले क्या होता था पता, जो सिक्का होता था उस पर मोहर लगाया जाता था, मतलब किसी मूर्ति वगैरह लगाया जाता था, ठीक है, इससे पता चलता है कि उन लोगों का मूर्ति पूजा पाठ से भी क्या था और मतलब उन लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुआ है, जिस पर देवी देवी का मूर्ति होता था, कुछ जगह तो राजाओं का भी चित्र मिला। इससे क्या पता चला कि पहले राजा भी हुआ करते थे, जो जानकारियों का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा साहित्य स्रोत, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा साहित्य स्रोत, पहला जो था पुरातत्विक स्रोत एक खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर में आ गया साहित्य स्रोत। तो प्राचीन भारत की जानकारी देने वाले साहित्य स्रोत में हम उस समस्त सामग्री को शामिल करते हैं जो हमें ग्रंथों के रूप में प्राप्त होता है, जो हमें ग्रंथ में प्राप्त हुआ उसको हम दूसरे भागों में बांट दिए साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत मतलब जो ग्रंथ हुए हमें, जैसे महाभारत इस जो हमारा ग्रंथ होता है ना एक टाइप का, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ग्रंथों के रूप में प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है लोक साहित्य। अभी धार्मिक साहित्य क्या है, तो भारत धर्म प्रधान देश है, हम सभी को पता है, ठीक है, देश हमेशा से रहा है, अतः प्राचीन भारतीय साहित्य का रूप भी धार्मिक ही रहा है। और जो प्राचीन भारतीय साहित्य था ना, कि पहले का जो भारतीय साहित्य था ना, वहाँ भी जो हमारा धार्मिक रहा है ना, वहाँ भी हमारा क्या चलता था, धर्म का ही बात चलता था, मतलब धर्म अभी भी है, पहले भी चलता था। और फिर धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है, ये 3 हो गया। अब चलते हैं दूसरा, दूसरा कौन सा जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, लोक साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पे लोक साहित्य देखिए, यहाँ पे लोक साहित्य, तो प्राचीन इतिहास के स्रोतों में लोक साहित्य का भी अपना स्थान है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्यिक ग्रंथ। अब ठीक है, अब आपको चर्चा नहीं करना है तीनों के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्य चरित्र ग्रंथ, ये तीनों के बारे में चर्चा नहीं करना, बल्कि हल्का सा लिख देना है। अतः ये तीनों साहित्य स्रोत से प्राचीन भारत का ऐतिहासिक जीवन और साहित्य से जुड़े स्रोतों का ज्ञान प्रदान हुआ है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, कहीं डिफिकल्ट आ रहा है आ तो फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप अच्छे से नहीं समझा रहे, तो हम और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि इजी लैंग्वेज में लिख रखें, तो हम सोचते हैं कि हो सकता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि आपको देखना जरूरी है, तो आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना, ठीक है, जैसे वीडियो डालते हो वैसे आपको देखना था कि हमें पता चला कि लोग जुड़े हुए हैं हमसे। और वीडियो को शेयर करो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर लाइव पढ़ाना होता ना आपको बैठा करके, तो हम 10 वीडियो मतलब 10 क्वेश्चन बताते, वहीं पर यहाँ पर 1 के बराबर होता है, यानी 10 क्वेश्चन अगर हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में 1 क्वेश्चन में उतना मेहनत चला जाता है, ठीक है। तीसरा, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, वृत्तांत मीन्स होता है विवरण। तो विदेशी जो यात्री थे ना, आते जाते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें में भारत के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, देखते हैं कौन कौन सा। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए भारत में आए विदेशी यात्रियों का वर्णन भी विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय समाज व उसकी भाषा की जानकारी न होने के कारण उन्होंने कुछ स्थानों पर कल्पित बातें भी लिखी है। देखिए, बहुत सारे विदेश यात्री भी भारत में आए थे, लेकिन उसको भारत के बारे में भाषा नहीं पता था, क्योंकि वो लोग अलग भाषा बोलते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी यहाँ पे करके गया ना, जो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कल्पित कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है। और वो लोग भी क्या करते थे, विचार करते थे, कल्पित करते थे, कल्पित बातें भी लिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कुछ स्थानों पर क्या लिखी, कल्पित बातें लिखी है, कल्पित जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसी बातें लिख करके उन लोगों ने गया हुआ है, ठीक है, कल्पित बातें यानी कि कल्पना करने वाली बातें, क्योंकि उन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था,
ठीक है, तो हम भी उस पर विचार कर रहे हैं अभी भी कि क्या लेकर के गया है, उस पर कल्पना चल रहा है। कुल मिलाकर के वृत्तांत यानी कि विवरण भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस आतुर्य में निम्नलिखित का विवरण मिलता है। अब यहाँ पे कौन कहाँ कहाँ के लोग आए थे, कौन कौन से आतुर्य लोग आए थे, तो ईरानी वृत्तांत आए थे यानी ईरानी एक देश है, यहाँ के आतुर्य आए थे, यूनानी आतुर्य आए थे, चीनी आतुर्य आए थे, मुसलमान आतुर्य आए थे, तो ये सब चीज़ें आए थे जिससे हमें क्या मिलता, भारत का एक साक्ष्य मिलता, भारत का एक जानने में थोड़ा सा स्रोत है ये, जो कि हमें क्या मुख्य योगदान प्रदान करता है भारत को जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग देख सकते हैं, जहां तक पॉसिबल हो पाया था मैंने समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपना रिप्लाई दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।